तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एलपीएस का सॉल्यूशन को कैसे प्रिंट कराना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, बॉटम अप वाला। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड का एग्जांपल लिया हुआ है और उसके लिए बॉटम अप टेबल को फिल किया हुआ है, और यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और बॉटम अप टेबल को फिल किया हुआ है। और यहाँ पे एग्जाम्पल है मेरा बीबीबीईबी, इसमें से एलपीएस होगा फोर लेंथ का होगा और वो है बीबीबीबी, और यहाँ पे मैंने जो वर्ड का एग्जाम्पल लिया वो है कैरेक्टर, और इसमें जो एलपीएस है वो है सी ए आर ए सी फाइव लेंथ का। तो दोस्तों हम देखते हैं हम सॉल्यूशन पे कैसे पहुंचेंगे कि हमारा कौन सा आंसर है। तो दोस्तों सॉल्यूशन पे पहुंचने के लिए हम शुरू करेंगे वहां से जहां से हमारा वैल्यू आया है, और क्या करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर सेम है कि नहीं। दैट इज हम कॉल करेंगे एलपीएस प्रिंट वन सॉरी जीरो और फोर को इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, देखिए ये दोनों कैरेक्टर सेम है कि नहीं, फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा बी, लास्ट कैरेक्टर है हमारा बी, मतलब ये दोनों कैरेक्टर्स हमारे आंसर में होंगे। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अपने आंसर में ले लूंगा, डेट इन दोनों को प्रिंट कराऊंगा, और प्रिंट कैसे कराऊंगा वो मैं आपको कोड में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहां पे हमारा दो कैरेक्टर मिल गया, मतलब अब हम आए हैं डायगोनल से, करेक्ट, क्योंकि आपको याद होगा अगर मेरा रिकर्सिव इक्वेशन जो कि हमारा फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर इक्वल होता था तो हम आई को एक इंक्रीज करते थे और जे को डिक्रीज करते थे। तो आई को इंक्रीज करके मैं यहां पहुंचूंगा और जे को डिक्रीज करके मैं इधर पहुंचूंगा। ठीक है, आई को इंक्रीज करके और जे को डिक्रीज करके, तो मेरा आंसर अब आया है बी बी ई में से। देखिए बी 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 ई भी मेरा कैरेक्टर था, ये दोनों मैचिंग हुआ, मतलब दो लेंथ का मुझे मिल गया है। अब मैं एलपीएस ढूंढूंगा इसमें से, और वो मुझे मिलेगा इस पार्टिकुलर सेल में जाके। अब मैं क्या करूंगा, यहां के कैरेक्टर को मैच कराऊंगा, ये वाला कैरेक्टर है बी और ये वाला कैरेक्टर है ई, ये दोनों मैचिंग नहीं है, तो मेरा आंसर या तो यहां से आया है या तो यहां से आया है दोस्तों। ठीक है, इन दोनों में से मैच कौन सा है, ये है, मेरा आंसर यहां से आया है, करेक्ट। अब क्या करेंगे, फिर वापस से कैरेक्टर एट दिस पोजीशन और दिस पोजीशन को मैच करवाएंगे। ठीक है, यहां पे कैरेक्टर है बी, यहां पे कैरेक्टर है बी, मैचिंग है, मतलब ये दोनों भी मेरे आंसर में है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को प्रिंट करवा देंगे। अब प्रिंट करवा देंगे, ये वाला मेरे आंसर में है, अब मुझे जाना कहां पड़ेगा, डायगोनल, और मैं पहुंच गया एक ऐसे सेल में जहां पे मेरा आई बड़ा है जे से। ठीक है, आई देखिए यहां पे आपका है टू और जे है आपका वन, आई आपका जे से बड़ा है ना, तो मेरा फंक्शन अब रिटर्न हो जाएगा और मैंने यहां पे बीबी बीबी प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं कैरेक्टर का, कैरेक्टर में हमारा आंसर है कैरेक्ट, तो यहां पे भी हम शुरू करेंगे दोस्तों इस पार्टिकुलर सेल से, इस पार्टिकुलर सेल से हम शुरू करेंगे। तो आंसर देखिए हमारा यहां से आया हुआ है फाइव, और मेरा यहां पे कैरेक्टर है सी और यहां पे कैरेक्टर है आर, दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर, दोनों मैचिंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो मैं लेफ्ट से आया हूं या तो मैं डाउन से आया हूं, इन दोनों में से मैक्स कौन सा है, लेफ्ट वाला वैल्यू। ठीक है, मतलब मैं आया हूं लेफ्ट से। ठीक है दोस्तों, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, मान लीजिए मेरा वर्ड है कैरेक्टर और ये दोनों मेरा वैल्यू कैरेक्टर इक्वल नहीं है, तो हम क्या करते थे, दो स्ट्रिंग बनाते रहते, कैरेक्टर और मतलब मैंने एक बार सी को रिमूव किया, दूसरे बार एल को आर को रिमूव किया, और उसके बाद जो मेरा स्ट्रिंग बनता था उनमें से मैं एलपीएस निकालता था। ठीक है, अगर ये दोनों कैरेक्टर इक्वल नहीं है, दैट इज सी और आर फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन वाला, मतलब मेरा आंसर या तो इस स्ट्रिंग में से आया हुआ है या तो इस स्ट्रिंग में से आया हुआ है, और वो हमें पता चलेगा इन दोनों सेल को देख के। तो मैं यहां पर मूव कर जाऊंगा जहां पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा,
और अब सेम चीज मैं यहां पे रिपीट करूंगा, यहां पे कैरेक्टर है मेरा सी और यहां पे कैरेक्टर है मेरा ई, तो दोनों इक्वल नहीं है दोस्तों, मतलब मेरा आंसर यहां से आया हुआ है। सेम चीज आप इधर देखिए, यहां पे है सी और यहां पे है टी, इक्वल नहीं है, मतलब इन दोनों में से जो मैक्स वहां से आया हूं मैं, तो मैं आया हूं यहां से क्योंकि ये 5 है और ये 3 है। अब देखिए यहां पे हमारा सी और यहां पे है हमारा सी, तो दोनों कैरेक्टर इक्वल है, मतलब ये वाला सी और ये वाला सी मेरा आंसर में है। और मैं चले जाऊंगा डायगनल, क्योंकि अब मेरा जो आंसर है वो डायगनल में से आया हुआ है, दैट इज देखिए ये दोनों सी मेरा इक्वल मिल गया है हमें, और अब बचेगा ये वाला स्ट्रिंग, इसमें से मेरा आंसर आया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पहुंच गया, अब मैं मैच कराऊंगा, यहां पे देखिए है H और यहां पे है A, मतलब मेरा आंसर यहां से भी नहीं आया हुआ है, मतलब ये दोनों कैरेक्टर इक्वल नहीं है, और मैं डायगोनल नहीं जा सकता हूं, मुझे जाना पड़ेगा लेफ्ट और डाउन में से मैक्सिमम वाले जगह पे, और वो मैक्सिमम वाला जगह कौन सा है, यहां पे है दोस्तों। अब यहां पे कैरेक्टर है ए, यहां पे भी कैरेक्टर है ए, तो दोनों मैचिंग हो गया, तो मैं दोनों को प्रिंट करवा दूंगा, और जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, डायगोनल वाले पोजीशन पे चला जाऊंगा, दैट इज ये दोनों मेरा मैचिंग हो गया है। अब मैं आर के पास पहुंच गया, तो देखिए यहां पे भी आर है, यहां पे भी आर है दोस्तों, लेकिन आई इज इक्वल टू जे है यहां पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ही बार प्रिंट कराऊंगा आर को, ठीक है, और फिर मैं चले जाऊंगा डायगनल, और मैं पहुंच गया डायगनल, और यहां पे मेरा आई ग्रेटर देन जे हो गया और मेरा फंक्शन कॉल रिटर्न कर जाएगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे कोड। तो दोस्तों अब हम लिखते हैं प्रोग्राम, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूं, एलपीएस प्रिंट मेरा होगा फंक्शन, ये लेगा दो पैरामीटर आई और जे, और आई और जे मेरा क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स और लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स, जो मेरे पास अभी वर्ड है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए चेक करूंगा क्या मेरा आई जे से बड़ा है, आई जे से बड़ा है मतलब मेरे पास तो कुछ अब काम करने को रहा नहीं, दैट इज मैं लोअर डायगनल में पहुंच चुका हूं ये वाले पार्ट में, या तो मेरे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो मैं क्या करूंगा यहां से कर जाऊंगा रिटर्न। और दूसरा केस क्या है, इफ आई इज इक्वल टू जे, इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास बस एक लेंथ वाला स्ट्रिंग है, तो एक लेंथ वाला जो कैरेक्टर होता है या स्ट्रिंग होता है वो खुद में एक पैलिंड्रोम है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे प्रिंट कर दूंगा वर्ड ऑफ आई, ठीक है, और ये एक ही बार प्रिंट होगा, और मैं एक सेपरेटर यूज करूंगा जो कि होगा नथिंग। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर पाइथन में आप डायरेक्टली प्रिंट लिखने वाले हो तो जितने बार प्रिंट होगा वो लाइन चेंज कर देगा, लेकिन यहां पे मैं लाइन चेंज करना नहीं चाहता हूं, यहां पे मैं सब कुछ को एक लाइन में ही प्रिंट कराना चाहता हूं। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे, मान लीजिए मैं पहले और लास्ट कैरेक्टर को मैच कर रहा हूं, दोनों मैचिंग हो रहा है, तो मेरे आंसर में दोनों ही होगा, करेक्ट, एल इफ वर्ड एट आई इज इक्वल टू वर्ड एट जे, मतलब मेरे आंसर में दोनों ही कैरेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए बी 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 ई बी का, ये दोनों मेरा मैच हो गया, ये वाला बी बी मेरे आंसर में है और ये वाला बी बी मेरे आंसर में है, तो दोनों को ही प्रिंट कराना है, लेकिन दोनों को प्रिंट कैसे कराना है वो आप देखते हैं, प्रिंट ऑफ वर्ड ऑफ आई एंड इक्वल टू नथिंग, ओके। देन मैं क्या करूंगा, एक कॉल करूंगा एलपीएस प्रिंट I प्लस वन जे माइनस वन, ठीक है दोस्तों, और मैं वापस से प्रिंट करवाऊंगा वर्ड ऑफ I को, और एंड इक्वल टू होगा मेरा नथिंग, ठीक है दोस्तों। मैं कर क्या रहा हूं, मैं यहां पे आपको पहले तो कैरेक्टर को प्रिंट करा रहा हूं, ये मेरा पहला कैरेक्टर होगा प्रिंट होने वाला, दैट इज इस बी को प्रिंट करा रहा हूं, फिर मैं वापस से इस कैरेक्टर में इस स्ट्रिंग में अपना एलपीएस ढूंढूंगा, और जब मुझे इसका आंसर मिल जाएगा, मतलब इस चीज में से जो हमारा एलपीएस है वो प्रिंट हो जाएगा, तब मैं लास्ट में इस चीज को प्रिंट करवा दूंगा। तो बेसिकली मैं ये चीज कर रहा हूं, पहले मैं ये वाला कैरेक्टर को प्रिंट करवा रहा हूं, फिर मैं
इसमें से जो मेरा एलपीएस है उसे प्रिंट कराऊंगा, फिर लास्ट में मैं इसमें ये वाला चीज को ऐड कर दूंगा। अब दोस्तों मेरा क्या है तीसरा कंडीशन, अगर मेरा दोनों कैरेक्टर इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब या तो मैं लेफ्ट से आया हूं या तो मैं डाउन से आया हूं, तो एल इफ, अरे ये मैं चेक कैसे करूंगा अपना बॉटम अप के टेबल में, एल इफ टैब ऑफ आई जे सॉरी आई प्लस वन जे इज ग्रेटर देन टैब ऑफ आई जे माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो आंसर है दोस्तों वो आया हुआ है नीचे से, आई प्लस वन और जे जो है वो नीचे वाले को डिनोट करता है, तो मेरा आंसर आया हुआ है नीचे वाले में, तो मैं क्या करूंगा प्रिंट करूंगा मेरा एलसीएस अपने स्ट्रिंग को मूव करके, दैट इज आई प्लस वन कॉमा जे। अगर ऐसा नहीं है मतलब मेरा आंसर लेफ्ट से आया हुआ है, तो मैं प्रिंट करूंगा एल्स ऑफ सॉरी यहां पे होगा एलपीएस प्रिंट, एलपीएस प्रिंट एलपीएस प्रिंट, और मैं यहां पे क्या करूंगा यहां पे फिर एक फंक्शन कॉल चलाऊंगा, लेकिन इस बार मैं लेफ्ट वाले सेल में चला जाऊंगा LPS print i j minus 1। ये है दोस्तों मेरा कोड LPS को प्रिंट करने के लिए। तो दोस्तों अब इस प्रोग्राम को डायग्राम करके देखते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा मेरा LPS, LPS print को मैं LPS ही लिख रहा हूं यहाँ पे, LPS 0,4 को मैं कॉल करूंगा, तो ये क्या करेगा दोस्तों सबसे पहले ये वाले टेबल पे आएगा, ठीक है, देखिएगा ये दोनों कैरेक्टर सेम है कि नहीं है, तो यहां पे भी कैरेक्टर है बी और यहां पे भी कैरेक्टर है बी, तो दोनों कैरेक्टर इक्वल है, इसका मतलब क्या है दोनों कैरेक्टर मेरे आंसर में है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ये वाले लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा, तो बेसिकली मैं बी को प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है, बी हमारा एक प्रिंट हो गया यहां पे आंसर में, और फिर मैं क्या करूंगा एलपीएस प्रिंट आई प्लस वन जे माइनस वन को कॉल करूंगा, डेट इज एलपीएस ऑफ 1,3 को मैं प्रिंट करूंगा दोस्तों, और उसके बाद मैं क्या करूंगा नहीं सॉरी एलपीएस ऑफ 1,3 को कॉल करूंगा, और जब तक मुझे इसका आंसर नहीं मिल जाता है मेरा ये वाला प्रिंट लाइन जो है वो होल्ड पे रहेगा, तो जब एलपीएस ऑफ 1,3 अपने कॉल पे जाएगा दोस्तों तो ये क्या चेक करेगा क्या आई बड़ा है जे से, नहीं है, क्या आई इक्वल है जे से, ये भी नहीं है, वर्ड एट आई और वर्ड एट जे को कंपेयर करेगा, वर्ड एट आई है 1 और वर्ड एट जे है दैट इज थर्ड पोजिशन पे है ई, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहां पे ये क्या करेगा इस वाले कंडीशन में आ जाएगा, फिर चेक करेगा नीचे वाले वैल्यू बड़ा है कि ऊपर वाला वैल्यू बड़ा है टेबल में, तो देखिए मैं क्या हुआ हूं यहां पे आ गया हूं, ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूं कि नीचे वाला वैल्यू बड़ा है कि लेफ्ट वाला वैल्यू बड़ा है, तो यहां पे देखिए मेरा लेफ्ट वाला वैल्यू बड़ा है, दैट इज ये वाला कॉल चलेगा एलपीएस ऑफ आई जे माइनस वन, आई है मेरा 1 और जे माइनस वन है 2, तो बेसिकली मैं अब आ गया यहां पे, ठीक है, आप ये टेबल से कंपेयर कीजिए इसे, तो जब मेरा एलपीएस ऑफ 1,2 कॉल होगा ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, और मैं वर्ड डॉट आई और वर्ड डॉट जे को मैच करूंगा, 1 में मेरा है बी और 2 पे भी मेरा है बी, तो दोनों कैरेक्टर इक्वल हो दोस्तों, तो पहले क्या होगा पीए वाला लाइन चलेगा, बी प्रिंट हो जाएगा, और बी प्रिंट हो जाने के बाद ये एलपीएस ऑफ 1,2 क्या करेगा दोस्तों, ये आई को एक बढ़ा देगा जे को एक घटा देगा, तो बेसिकली ये कॉल करेगा एलपीएस ऑफ 2,1 को, जब एलपीएस ऑफ 2,1 जाएगा अपनी कॉल पे तो आई हमारा जे से बड़ा हो जाएगा, तो ये रिटर्न हो जाएगा, यहां से कुछ भी नहीं करेगा रिटर्न हो जाएगा, तो एलपीएस ऑफ 1,2 का वर्ड भी पहला प्रिंट हो गया, एलपीएस प्रिंट ये वाला भी फंक्शन चल गया, तो अब ये वापस से आके प्रिंट करा देगा अपने एग्जीक्यूट करा देगा ये वाले लाइन को, तो मतलब अब ये तीसरा भी प्रिंट हो गया, अब ये प्रिंट हो गया तो एलपीएस ऑफ 1,2 रिटर्न हो जाएगा, तो कंट्रोल आ गया आपको एलपीएस ऑफ 1,3 पे, और एलपीएस ऑफ 1,3 में क्या किया था इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया था, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल भी इंड हो गया,
और इसका आंसर इसे मिल गया तो LPS ऑफ 1.3 का भी एंड हो जाएगा। तो जब LPS ऑफ 1.3 का एंड होगा तो हमने क्या किया था, LPS ऑफ 0.4 को जब कॉल किया था तो मुझे मैचिंग कैरेक्टर मिला था, मैंने पहले B को प्रिंट करा के फिर LPS ऑफ 1.3 को कॉल किया था और मेरा ये वाला लाइन होल्ड पे था। तो जब मेरा ये वाला लाइन का आंसर आ जाएगा तो मैं इस वाले लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा, दैट इज मैं एक और B को प्रिंट कर दूंगा दोस्तों। तो देखिए ये मेरा आंसर प्रिंट हो गया है और दोस्तों ये है मेरा LPS प्रिंटिंग सॉल्यूशन का कोड। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा LPS प्रिंट करने का फंक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टैब बी के बी यू का यूज कर रहा हूँ, डेट इज मैं बॉटम अप टेबल का यूज कर रहा हूँ और मैंने एक और कोड यहाँ पे लिख रखा है जिसमें कि मैं टॉप डाउन टेबल का यूज कर रहा हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पे मैं टॉप डाउन कोड में टैब करके टेबल लैम्प का यूज कर रहा हूँ और बॉटम अप में मैं क्या कर रहा हूँ, टैब बी यू का। तो बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप प्रिंटिंग प्रोग्राम जो है वो टॉप डाउन टेबल से भी चला सकते हैं और बॉटम अप टेबल से भी चला सकते हैं और ये बहुत ही लॉजिकल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो दोस्तों चलिए हम एग्जीक्यूट करते हैं कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स के लिए। तो मैं यहाँ पे जाके रन ऑल कर दूंगा तो सारा ही सेल एक बार में मेरा चल जाएगा, डेट इज जुपिटर का एक सेल, इसे बोलते हैं एक सेल। तो देखिए जब हमने टर्बो वेंटिलेटर को चलाया तो हमारा LPS का लेंथ होगा 7 और हमारा LPS होगा रोटेटर। तो देखिए हमारा ये टॉप डाउन टेबल के थ्रू आ रहा है कि नहीं, सबसे पहले देखिए ये टॉप डाउन वाला कोड रहा हमारा यहाँ पे और इसे मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ लाइन नंबर 16 में और ये हमारा दे रहा है आंसर रोटेटर जो कि करेक्ट है और यहाँ पे भी हमें आंसर मिल रहा है रोटेटर जो कि करेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। अब लेते हैं हम अंडर क्वालिफाइड का, यहाँ पे हमारा LPS क्या है, DEIFIED जिसका भी लेंथ है 7। तो चलिए अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, मैं यहाँ जाऊंगा यहाँ पे मैं रन ऑल पे क्लिक कर दूंगा कि ये सारा सेल को एक बार में चला देगा। देखिए बॉटम अप वाला के यूज करके हमारा आ रहा है आंसर DEIFIED जिसका की लेंथ है 7 और सेम आंसर यहाँ पे आपको टॉप डाउन वाला भी कोड दे रहा है। तो दोस्तों बेसिकली आप टॉप डाउन भी यूज कर सकते हो, टॉप डाउन वाला टेबल भी और बॉटम अप टेबल भी यूज कर सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, इसमें मैं क्या करूंगा कैरेक्टर को ट्राई करता हूं। तो यहां पे जाऊंगा मैं रन ऑल कर दूंगा दोस्तों, रन ऑल किया तो यहां पे देख लीजिए बॉटम अप का टेबल यूज करके आंसर आ रहा है हमारा CARAC जो कि करेक्ट है और सेम आंसर हमारा आएगा टॉप डाउन यूज करके भी। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रिंटिंग, दैट इज LPS प्रिंटिंग का प्रोग्राम ये रहा, ठीक है LPS प्रिंटिंग का प्रोग्राम दोस्तों। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।